हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं Roblox, और Roblox के अंदर दोस्तों आज हम लोग खेलने वाले हैं 99% फेल चैलेंज। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये फेल चैलेंज भाई कहीं स्क्विड गेम्स का तो नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्क्विड गेम्स का चैलेंज नहीं है, लेकिन जो स्क्विड गेम्स में गाइस लेवल था ग्लास वाला, ग्लास ब्रिज वाला, ये उसी का चैलेंज है। लेकिन गाइस इसमें एक चेंज किया गया है, ठीक है। अपन लोग को एक ऐसी ब्रिज को पार करना है गाइस जो कि नॉन स्टॉप जाती ही जा रही है। तो भाई ये तो यार बहुत लंबी है भाई। अबे तो यही तो चैलेंज है, इसीलिए तो इसका नाम 99% फेल रखा गया है। और भाई हम लोग यहाँ पर दूसरे लोगों को देखने वाले हैं और देखते हैं कि वो कौन सा डायरेक्शन चूज करते हैं इससे पहले कि अपन लोग आगे बढ़े। और आप लोग देख सकते हो यार यहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हो रही है धीरे धीरे, कोई भी यार यहाँ पर मरना नहीं चाहता है गाइस। और ये लेवल इतना बड़ा है कि आपको जो एंड है वो दिखाई भी नहीं देगा, देख रहे हो भाई दिखाई तक नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं असली चैलेंज गाइज, मतलब ओरिजिनल स्क्विड गेम में भाई इन्होंने बस लाइक 10 या 16 टाइल्स का बनाया था ये। लेकिन गाइज अब तो भाई मुझे लगता है हजारों है यार, और इसको बिना गिरे पार कर लेना अपने आप में एक चैलेंज है। तो देखते हैं दोस्तों क्या हम लोग इसको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पार कर पाते हैं या फिर अपन लोग ढेर हो जाते हैं। भाई मैं तो गिर भी गया भाई, आप कहां पर खड़े हो? अरे दोस्त तू गिर गया? अबे तू गिर कैसे गया भाई? भाई बहुत ज्यादा लोग धक्का मुक्की करते हैं भाई, मैं गिर गया यार हड़बड़ी के चक्कर में। अरे यार तो तेरे को धक्का थोड़ी दे रहे, तू गिरा है क्योंकि तूने गलती की है। और गाइस हम लोग ये जो स्क्विड गेम का गार्ड है ना इसको फॉलो करेंगे। और बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्क्विड गेम्स के गार्ड वाली आउटफिट है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्होंने ये लेवल एक बार कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी। और भाई इस बंदे ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है गाइस, इसका मतलब जानते हो क्या है भाई? ये हम लोगों को सही रास्ते पे ले जाएगा। तो चलो इसको फॉलो करते हैं। और हम लोग यहाँ पर यार कुछ और दोस्तों से मिल चुके हैं बीच रास्ते में। अब ये सारे दोस्त और हम लोग सब कोई मिलकर भाई बढ़ेंगे आगे और एक के पीछे एक। और भाई साहब ये बंदा कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं कैसे मार रहा गाइज, मतलब इसको ऑलमोस्ट सारे रास्ते पते है यार। ऑलराइट लेट्स सी कहां तक जा पाता है, इसका लक कहां साथ देता है। पोस्ट भाई ये तो हैकर लग रहा है भाई, मेरे को लगता है इसको यार कॉल पे भाई सारे के सारे डायरेक्शंस टास्क मास्टर दे रहा है भाई। अरे नहीं मेरे दोस्त, मेरे को लगता है टास्क मास्टर इसको सारे के सारे डायरेक्शंस नहीं दे रहा है, ये बंदा भाई बहुत ही ज्यादा लकी है। क्योंकि अगर ये हैकर होता गाइज तो ये नॉन स्टॉप एंड तक जाता, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रुक चुका है। तो अब हम में से किसी एक को अपनी जान का यार बाजी लगा करके आगे का सही रास्ता ढूंढना होगा। और ये लोग भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आई डोंट थिंक इनमें से कोई भी यहाँ पर यार इतना। ओ एक लड़की कूदी, चलो 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 भाई जल्दी आ जाओ। भाई साहब एक बंदा कूदा नहीं कि सारे कूद गए भाई। ऑलराइट और ये गया भाई, स्क्विड गेम्स वाले गार्ड ने यहाँ पर गलती कर दी है और इस गलती का यार उसको भुगतान करना पड़ा अपनी जान की बाजी लगा करके। और भाई एक और लड़का हमें यहाँ पे अलविदा बोल चुका है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो फिनिश लाइन है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है और हमारे आंखों के करीब है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आगे जंप करना खतरे से एकदम खाली नहीं है क्योंकि बहुत दूर से आए हैं अपन लोग और बहुत दूर जाके गिरेंगे अगर यहाँ पर हम लोगों ने गलत रास्ता चूज किया तो। भाई आप तो यार सिर्फ इंतजार करोगे भाई, ये लोग मर जाएंगे उसके बाद आगे बढ़ोगे क्या? अरे मेरे दोस्त एक बात बता भाई, मैं खुद क्यों रिस्क लूं जब ये लोग भाई परफेक्टली रेडी है यहाँ पर मरने के लिए और अपन लोग को बस इनको फॉलो करना है। ये देखो भाई एक के बाद एक सब जा रहे हैं, चलो चलो अपने को तो भाई यहाँ पे फर्स्ट ट्राई में ही लगता है कि गाइस प्राइज मिल जाएगा। और आगे में बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भी हालत खराब है गाइस, इसीलिए उनमें से भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। और भाई कोई आगे बढ़ेगा क्या? हेलो भाई पीछे से भी लोग आ रहे हैं, जल्दी आगे बढ़ो यार इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। ये लोग सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताक रहे भाई। फ्रॉस्ट भाई मुझे तो लगता है इन लोगों की भी यार हालत खराब है, आप आगे बढ़ के इनको रास्ता दिखा दो फ्रॉस्ट भाई। अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त, मेरे को कोई भी भलाई का काम नहीं करना है यहाँ पे। और भाई साहब ओ यस एक मैडम जी आगे कूदी है, थैंक यू सो मच, आपका भगवान भला करे, आप बहुत आगे जाओ लाइफ में। लेकिन गाइस अभी अभी कौन आगे बढ़ेगा? इनकी शक्ल देख के लगता नहीं है कोई आगे बढ़ने वाला है, सबके सब फट्टू है। ओह अबे नूबड़े फालतू का मर गया। अबे यार एक साथ दो दो बंदे कूद चुके हैं गाइस, और एंड जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ 30% से भी कम है दूर। और गाइस चॉप चॉप कहाँ पे? अबे चॉप तू मेरे पास नहीं आया क्या? तो भाई आ रहा हूँ भाई, थोड़ा समय दो मैं आपके पास ही पहुंचूंगा। ओके तो गाइस अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आई एम डैम श्योर कि इन फट्टुओं के पास हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। ओके तो गाइस हम लोग यहाँ पर किसी तरीके से थोड़ी और आगे पहुंचे हैं और हमारी ग्रुप में से बहुत सारे लोग यार बीच रास्ते में मर चुके हैं। और एक्चुअली में ये जो दूसरी ग्रुप आई है ना गाइस, इसमें बहुत सारे
नए नए प्लेयर्स है यहाँ पर जो कि हमारी टीम में एड ऑन हो चुके हैं, लेकिन चॉप का दूर दूर तक कोई भी निशान नहीं है। तो मिस्टर चॉप कहाँ पर हो भाई, जल्दी आओ ना मेरे पास। फ्रॉस्ट भाई मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, आप तक पहुँचने की वादा करता हूँ भाई, जल्दी आ जाऊंगा। ओके तो गाइस चॉप भी हम लोगों के पास आने ही वाला है, आप लोगों ने सुन लिया, अब बस हमें इंतजार करना है। और ये लोग कूदना बंद करेंगे, अबे आगे बढ़ो ना भाई, तुम लोग यहाँ पे टाइम पास क्या कर रहे हो, किसी के पास भी हिम्मत नहीं है क्या आगे बढ़ने का। ऑलराइट ओ एक बंदा आगे कूदा, अरे चली गई नीचे भाई, उन मैडम जी के साथ जो भी हुआ गाइस बहुत बुरा हुआ, देख के मेरे को बहुत बुरा लगा। लेकिन ये जो पीछे वाली टीम है भाई, ये भी बहुत तेजी से आ रही है, क्या हम लोग इसका इंतजार कर ले क्या गाइस। देखो यहाँ पर मरना बहुत मुश्किल होगा यार, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, इतना ज्यादा दर्द होगा अगर मैं मर गया तो इसलिए मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हम लोगों को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ पर यार ट्रॉफी मिल जाए और अपन लोग उसके अंदर से इतने सारे पैसे जीते कि उन पैसों से अपन लोग माला माल हो जाए। कैसे हो फर्स्ट भाई, देखो अपुन भी आ गया भाई आपके साथ। अरे कैसा है चॉप, ओ माय गॉड गाइस चॉप भी आ चुका है हम लोगों के बीच में, देख सकते हो आगे खड़ा है एकदम मुंह निकाल करके। तो मेरे दोस्त क्या लगता है तू जाएगा क्या? फर्स्ट भाई देखो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ खड़े होने के लिए आया हूँ भाई, मेरे को ज्यादा धक्का वक्का मत दो यार, हिम्मत नहीं है मेरे अंदर फर्स्ट भाई आगे कूदने की। ठीक है भाई तेरे को नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कोई तो आगे कूदो यार, कोई तो भाई कोई तो आगे चलो, बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस बचा है गाइस। मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग यार 90% ऑफ द रास्ता कवर कर चुके हैं और यहाँ पर यार सिर्फ 6 या 7 बस इतने ही टाइल्स बचे हैं हमें आगे पार करने के लिए, और हम में से बहुत सारे लोग यार बहुत कुछ गवा देंगे अगर यहाँ पर हम लोगों ने एक भी गलत ले लिया कदम। और वाह भाई मतलब आई कांट बिलीव भाई पहली बार में आ चुके गाइस, एक लाइक तो बनता है इसके लिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है गाइस अपन लोग हजारों फीट आसमान में खड़े अभी लुकिंग इनटू द ओब्लिवियन और हम लोग के पास अभी भी इतना गट्स है भाई कि यहाँ पर खड़ा होकर ये बोलेगा कि अपन लोग इस मैच को जीतेंगे तो पक्का जीतेंगे। फर्स्ट भाई मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया यार। अरे नूब आदमी भाई ये चॉप कहाँ चला गया, अबे क्यों करता है भाई तू ऐसे, अब इतनी क्लोज में यार छोड़ के चला गया, ये बताओ भाई अब हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। निको मेरे को बताओ भाई अब चॉप तू क्यों गया यहाँ से। फर्स्ट भाई देखो मेरा इंटेंशन नहीं था आपको छोड़ के जाने का, लेकिन मैं क्या करूं भाई मेरा टट्टी इंटरनेट इसके चक्कर में मर गया मैं। चलो कोई बात नहीं, लगता है ये मैडम जी रेडी हो रही है कूदने के लिए, चलिए मैडम जी आगे कूदिए। अरे कूदो यार कोई तो कूदो भाई, बहुत हो गया मैं जा रहा हूँ। ठीक है 3, 2, 1 ओ भाई ये कौन गिरा भाई नीचे। फर्स्ट भाई आगे बढ़ो, मुंह क्या ताक रहे हो भाई, यही तो मौका मिला जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ऑलराइट मैं जा रहा हूँ दोस्त टेंशन मत ले। ऑलराइट गाइस मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स दूर है यार अपन लोग, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा है वी कैन विन दिस, मतलब अगर कोई हमसे यार प्राइज यहाँ पर जीत के ना चला जाए और छीन के ना चला जाए। ओ यस भाई अब सिर्फ और सिर्फ 2 टाइल्स बचे। चॉप बोल किस साइड जंप करूं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तू जो भी साइड बोलेगा यार मैं वही जंप करूंगा। फर्स्ट भाई मैं तो बोलता हूँ बस आगे बढ़ता हूँ भाई और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ऑलराइट गाइस तो अब टाइम आ चुका है जंप करने का, हियर वी गो लेट्स गेट सेट रेडी 3, 2, 1 एंड भाई ओ निकलो भाई यस ओ माय गॉड गाइस वी वन द 99% फेल चैलेंज एंड फ्रॉस्टी भाव हैज कंप्लीटेड द कोर्स एंड वन द जैकपॉट। भाई यहां पर 1743 क्रेडिट्स हमारे लिए जैकपॉट में हमें मिल चुके हैं, और गाइस ये रहा हमारा स्क्विड गेम्स का गार्ड आउटफिट जो अपन लोग को मिल चुका है, और अब फाइनली गाइस हम लोग इस ट्रेजर को ओपन करके इसका खजाना ले पाए और सारी की सारी टाइल्स रिफ्रेश हो चुकी है आप लोग देख सकते हो राइट साइड में, लेकिन लगता है अपन लोग इस ट्रेजर को एक ही बार खोल सकते हैं। वेल गेस व्हाट दोस्तों, अगर हम लोगों ने यार यहाँ पर इस चीज को जीता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्रेंड्स के सपोर्ट से था, अगर चॉप मेरे को यार बीच में बताता नहीं कि अपन लोग कैसे क्या करें तो भाई मैं कभी जीत नहीं पाता। और दोस्तों अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है यहाँ। तो अपन लोग जैसे इस गेट से एंटर करते हैं हमें देखने को मिलता है फ्रंट डेस्क था पता नहीं कुछ तो था उस बंदे का नाम, तो फ्रंट मैन का जो ऑफिस था गाइस जहां पर स्क्विड गेम्स में वो सारी की सारी प्लानिंग करता था, सारे के सारे प्लेयर्स पर नजर रखता था, और जहां पर सारे के सारे वीआईपी गेस्ट रहते थे। इनफैक्ट ये वही सूट है जो प्लेयर नंबर 1 को मिला था, एक्चुअली प्लेयर नंबर 1 इज द ओनर ऑफ दिस शो। ठीक है तो एक्चुअली एक स्पॉइलर था, तो जिन लोगों को नहीं जानना था और जिन लोगों ने स्क्विड गेम्स नहीं देखी आई एम सो सॉरी, बट भाई दिस इज सो अमेजिंग, इन लोगों ने रोब्लॉक्स में गाइस उसको रियलिटी बना दिया है। और यहां पर एक सेकंड ये बेसमेंट था ना, वो भाई इधर क्या है? फर्स्ट भाई इधर तो यार वो सारा का सारा एविडेंस और रिकॉर्ड रखा है कि पिछले सालों में किन्होंने एक स्क्विड गेम जीता है। फर्स्ट भाई ओ अच्छा ये तो भाई डिटेक्टिव यहाँ पे आया था स्क्विड गेम्स शो में अगर आपको याद होगा तो, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है गाइज, हमारा काम तो भाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और मैं बस भाई आई एम जस्ट सरप्राइज कि इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर फुल्ली लग्जूरियस तरीके से इन लोगों ने डिजाइन करके रखी है, सिर्फ ओन प्लेयर्स को ये देखने को मिलता है जो पूरा एंड तक पहुंच पाते हैं गाइज, तो दिस इज जस्ट क्रेजी। और इस दरवाजे से अपन लोग आ चुके हैं वापस एकदम स्टार्ट पॉइंट पे, और यहाँ पर गाइज अब हम लोगों को फाइनली जो क्रेडिट्स मिले उनसे हम लोग क्रेट ओपनिंग करेंगे और देखते हैं कि क्या हम लोगों को फ्रंट
स्टंट मैन की स्किन यहाँ पर मिल पाती है या नहीं। फोर्ट भाई देखता हूँ भाई आपको मिलते है कि नहीं। चलो भाई ओके आपको क्या मिला है फोर्ट भाई पहले चांस में। अरे ये क्या दे दिया भाई, वीआईपी बेयर का ही दे देता मेरे को यार, कम से कम अपन लोग वीआईपी तो बन जाते। लेकिन गाइस लगता है हमारे किस्मत में यहाँ पे वीआईपी बनना नहीं लिखा है, तो हम लोगों को यहाँ पर एक अनकॉमन स्किन मिली है। और उसके बाद हम लोगों को ये क्या मिला, बेकन बॉट। अबे नहीं भाई मेरे पास सिर्फ तीसरा और एक लास्ट स्पिन बचा है, प्लीज कुछ अच्छा दे दो, कुछ तो अच्छा दे दो। और अरे नहीं वीआईपी ईगल गर्ल तो दे दो यार। अरे भाई बहुत गलत हुआ गाइस, लेकिन अब हमारे पास क्रेडिट्स नहीं है और हम यार अपने जो कमाए हुए क्रेडिट्स है सिर्फ उनका इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या है, प्रीमियम चेस्ट इज रेडी। अच्छा हम लोगों को यार रोबक्स खरीदने पड़ेंगे तब जाके हम लोगों को ये चेस्ट खोलने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पर यार रोबक्स नहीं खर्चा करने वाला क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी गेम कंप्लीट कर लिया है। सो टेल मी गाइस इफ यू एंजॉयड दिस वन एंड नॉट, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड हमेशा की तरह स्टे फ्रॉस्टी।